हेलो गाइस, हमारी वही हम देव एंड होप यू ऑल सो डूइंग वेल। वेलकम टू बिकल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स की तरफ से मिली हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स ने अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो भेजे हुए हैं। एक व्यूअर ने तो कहा, इतना तक कह दिया कि सर आपने आपका वीडियो देखा और इसलिए मैंने वो TVS राइडर को ख़रीद लिया। तो चलो, अच्छी बात है, लेकिन अब उसमें दिक्कत आ रही है। और एक व्यूअर की दिक्कत ये थी कि उसने कहा था कि सर जब भी मैं गियर डालता हूँ तो जो डिस्प्ले है वो थोड़ा डिले से आता है, तो इसका क्या रीज़न है, क्या दिक्कत हो सकती है। और एक व्यूअर की तरफ से आया था कि सर गाड़ी में जो एवरेज दिखाता है वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में कि व्यूअर ने कहा था कि सर आपका वीडियो देखा और मैंने गाड़ी खरीद ली। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो आपका डिसीजन इतना आसान नहीं होता है। यदि आपने गाड़ी खरीदी है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो एक वीडियो में यदि मैंने उसमें गाड़ी की विशेषताएं बताई हुई हैं तो दूसरे वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं उसकी कमियां भी बताई हुई हैं। तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो है कंप्लीट, यानी कि चैनल को रेगुलर फॉलो किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सारे वीडियो देखने के बाद ही डिसीजन लें। और यदि आपको नहीं कर पाते तो और भी चैनलों पर आप वीडियो देख के करें, लेकिन अदर चैनल्स पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी दाई जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्लियरली बात करता हूँ, वो भी इंजीनियरिंग की तरफ से कि उसका प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, जब दो सेकंड पीरियड से मेरे डिस्कस हुआ कि क्या दिक्कत है, तो वहाँ पर हो क्या रहा था कि वो थोड़ी सी गलती कर रहे थे, यानी कि जब भी वो गियर चेंज कर रहे थे तो क्लिच को गियर चेंज पूरा करने से पहले ही छोड़ दे रहे थे। इसकी वजह से जो है डिस्प्ले में दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जब भी गियर चेंज करें तो क्लिच को पूरा दबाएं और गियर चेंज पूरा करने के बाद ही आप गाड़ी गियर में क्लिच को छोड़ें, तो आपका डिस्प्ले में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आप क्लिच ले करके गियर चेंज करेंगे तो आपके डिस्प्ले में दिक्कत आएगी, क्योंकि सेंसर सेंस नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी। तो दोस्तों, जो व्यूअर ने भेजा था कि एवरेज सही नहीं दिखता है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा कम कोई भी पॉइंट आउट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जनरली किसी भी बाइक में देख लो, आप SP125 में देख लो या ग्लैमर एक्सट्रैक्ट में देख लो, सभी में दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि जो रीडिंग दिखाई जाती है वो किस बेस पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ, किस बेस पर मीटर की रीडिंग आती है ये पता नहीं क्या है, लेकिन कभी कभी रीडिंग जो है गलत आती हैं। तो ये इसके लिए आपको शोरूम से एक बार डिस्कस कर लें, तो शोरूम वालों को प्रॉब्लम बताएंगे तो शोरूम वाले जरूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, लंबे समय तक बाइक को खड़ी न रखें जिससे बैटरी डाउन हो जाती है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।